धन वाहेगुरु साहेब जी, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच चकर चहन अर बरन जात अर पात नहन जेहे रूप रंग अर रेख पेख कौ कह न सकत केहे अचल मूरत अनभउ प्रकाश अम तोज कहि जय कोट इंद्र इंद्राण साहे सहाण गणिजय त्रिभवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन त्रिण कहत त सर्ब नाम कथय कवन करम नाम बर नत सुमत दर्शन प्यासी दिन सरात चितवो अन दिन नीत खोल कपट गुर मेलिया नानक हर संग मीत ठांड पाई करतार हे ठांड पाई करतार हे लीन्यो दास उबार हे थेर थाप्यो परताप बारंबार जुहार बारंबार जुहार हे नमस्कार करतार हे तू मेरो माई बाप भयो आज निहाल भयो आज निहाल हे लहयो अपदा पाल हे हथी दीनयो थाप सकत न रसन बखान सकत न रसन बखान हे रोम रोम जी ठान हे प्रेम बनी परताप पयो आज निहाल पयो आज निहाल हे लाहयो अपदा पाल हे हाथी दीन्यो थाप सकत न रसन बखान सकत न रसन बखान हे रोम रोम जी ठान हे प्रेम बनी परताप पाए गहे जब ते तुमरे तब ते कऊ आँख तरे नहीं अन्यों
राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहें मत एक ना मन्यो सिमरत शास्त्र वेद सब बहु भेद कहें हम एक ना जान्यो श्री अस पान कृपा तुमरी कर मैं ना कहियो सब तोहे बखान्यो सगल द्वार कौ छाड़ के गहयो तुहारो द्वार बाहे गहे की लाज अस गोविंद दास तुहार बाहे गहे की लाज अस गोविंद दास तुहार सजन सच्चा पात साहो सिर साहंद साहो जिस पास बैठे सोहिया सभना दावे साहो जिस पास बैठे सोहिया सभना दावे साहो सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी गौड़ी महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद नारायण हर रंग रंगो जप जेहवा हर एक मंगो नारायण हर रंग रंगो जप जेहवा हर एक मंगो रहा तज हौ मैं गुर ज्ञान भजो मिल संगत तुर कर्म लिखियो जो दीसै सो संग ना गयो साकत मूड लगे पच मोयो मोहन नाम सदा रव रहयो कोट मधे किने गुरमुख लहयो हर संतन कर नमो नमो नवनिध पावह अतुल सुखो हर संतन कर नमो नमो नवनिध पावह अतुल सुखो वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह राजान राज सतगुरु पानान पान सतगुरु देवान देव उपमा महान सतगुरु चवर शवर तख्त दे मालक हाजरा हजूर सर्व कला भरपूर शाहे शहन शाह बादशाह दरवेश धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी दे पावन पवित्र पातशाही अस्थान तखत सचखंड श्री हजूर अबचल नगर साहिब विखे आप सब संगतां सतगुरु दे पावन पवित्र दरबार दी अलाही घड़ियां दा आनंद माण रहे हो सतगुरु सच्चे पातशाह जी दी अलाही दरगाह दी प्रसन्नता दे
ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜਾਪ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸ ਭਿੰਨਾ ਕੀਰਤਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤ ਨੇਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਚਾਰ, ਜੋ ਇਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਪ ਸਭ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸੁਭਾਗੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਸਕੀਏ। ਜੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤਖਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਗਾਡੀ ਰਾਹ ਚਲਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵਾਲਾ ਨਿਆਰਾ ਰਸਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਨਿਆਰੇਪਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਿਆਰੇਪਣ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਨੂੰ ਕਮਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇਤਨੀ ਕਿ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਜੀਏ। ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾਈਏ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕੇ। ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਸੀਸ ਨਵਾਓ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁਬਾਰਕ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਓਵੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਔਰ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਦਾ ਭਾਵ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤਖਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲਾ ਸੱਜਣ ਸਾਡਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਸੁਭਾਵਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੱਜਣ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਹੈ। ਪਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਅਨੇਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਚਿਹਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਬਨਸਪਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਤਨਾ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਉਸ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਓਵੰਕਾਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੰਤ ਸਮੇਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੋਝੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਰਾਇਣ ਹਰ ਰੰਗ ਰੰਗੋ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕਰਕੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਟਿਕ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋ ਜਾਵੇ।
रोजाना गुरु चरणा विच आ करके सुख की अरदास करता है, चढ़दी कला की अरदास करता है। जदों गुरु का सिख गुरु के चरणा विच अरदास करता है, फिर सतगुरु उसनू रस्ता दसदे ने कि भाई जे तू चाहुंदा तेरे घर दे विच सुखां दा वास हो जावे, जे तू चाहुंदा तेरी चढ़दी कला हो जावे, जे तू चाहुंदा तेरे मन की बेचैनी दूर हो जावे, फिर नारायण हर रंग रंगो, अपने मन नू हरी दे नाम दा रंग चाड़। क्योंकि जे तू अपने मन नू हरी दे नाम दा रंग चाड़ेगा ते सच है संसार दे विच वड्डी तों वड्डी मुसीबत आ जावे पर हरी दे नाम दा रंग फिर उतर नहीं सकता। फिर प्यार वालियो, भावें सीस धड़ तों जुदा भी हो गए पर हरी दे नाम दा रंग नहीं उतरिया। भावें भाई तारू सिंह दा खोपड़ लै गया पर हरी दे नाम दा रंग नहीं उतरिया। भाई मनी सिंह जी दा बंद बंद कटिया गया तां वी नाम दा रंग नहीं उतरिया। छोटे साहबजादियां नू नीहां दे विच खड़ के भावें कहना पिया हम जान दे के औरों की जान बचा चले, सिखी की सल्तनत का बूटा लगा चले। भावें गुरु कलगीधर जी दे लालां नू नीहां विच खड़ना पिया पर फिर भी नाम दा रंग कदे लथा नहीं। ये नाम दा रंग ऐसा जे एक बार किसी नू चढ़ जावे खालसा जी तां ये शरीर दे खत्म होण तों बाद भी नहीं लैंदा। ये नाम दे रंग दे विच ताकत है, ये बरकत है प्यार वालियो। पर नाम दा रंग चढ़े किस तरह? नाम दा रंग चढ़दा सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे शब्द नू कमा करके। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह दे घर दी जो निराली भगती है उस निराली भगती नू जीवन दे विच लागू करके। क्योंकि खडूर साहब दी धरती ते धन सतगुरु गुरु अंगद देव साहब सच्चे पातशाह जी महाराज ओ संगतां दे विच भगती दा बंदगी दा उपदेश कर रहे सन। गुरु किया सिख संगतां उन्हां दे विचों भाई खानू जी, भाई महिया जी, भाई गोविंद जी, ये तिने सिख सतगुरु गुरु अंगद साहब जी दे सनमुख खड़ गए। दोनों हाथ जोड़ के अरदास कीती पातशाह आप जी बचन करदे हो कि अपने मन नू हरी दे नाम दा रंग चाड़ो। पातशाह आप बंदगी दा इबादत दा उपदेश करदे हो पर सच्चे पातशाह कृपा करके दसो कि साडे मन नू हरी दे नाम दा रंग किस तरह चढ़ेगा। प्यार वालियो, सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने कहा भगती करके, इन्हां पुछिया पातशाह भगती किवें दी करिए। गुरु साहब कहण लगे सिखो नौ प्रकार दी भगती संतां महापुरखां सतपुरशां ने मन्नी है। वो नौ प्रकार दी भगती नू अपने जीवन विच लागू करो। सिख पुछण लगे पातशाह नौ प्रकार दी भगती केड़ी है? सतगुरु ने बचन किता प्रथमे सरवण, द्वितीय कीर्तन, तृतीय सिमरन, चौथे पग सेवन, पंचम अर्चन, छेवें अरदास, सतवें दास, अठवें गुरु चरणा नू आराधना, ते नौवां गुरु चरणा नू अपना आप समर्पण कर देना। भाई खानू, भाई महिया, भाई गोविंद जी पुछण लगे पातशाह ये नौ प्रकार दी भगती इहदा संखेप चानना पाओ। सतगुरु गुरु अंगद साहिब महाराज ने कहा सिखो प्रथमे सरवण, जे रब दा भगत बनना फिर तुहानू गुरबाणी नू सुनना पवेगा, सुनन दी जाच आनी चाहीदी है। क्योंकि जेड़े प्यार वालियो गुरु के प्यारे ने उन्हां नू बाणी सुनन दा चा हुंदा, कीर्तन सुनन दा चा हुंदा। जिस सिख दे हिरदे दे विच गुरबाणी दा कथा कीर्तन सुनन दा चा पैदा नहीं हो रहा ते माफ़ करना, उस सिख दे हिरदे दे विच गुरु प्रति प्रेम भी पैदा नहीं होवेगा। क्योंकि जिस दे नाल मुहब्बत होवे, प्रेम होवे ना, उहदे बोल बड़े चंगे लगदे ने। ते जिद्दन गुरु के सिख दा गुरु नाल प्रेम पै गया इहनू फिर गुरबाणी दे अक्खर भी अमृत जापणगे ते इह अमृत है भी ने। जे कोई भावना नाल सुने ते गुरबाणी दा कल्ला कल्ला अक्खर खालसा जी अमृत वरता दिंदा।
सतगुरु कहिंदे पहला सरवण गुरु घर आ करके गुरबाणी का जाप सुनना, गुरबाणी का कीर्तन सुनना। दूसरा पुछया पातशाह दूसरा की है, कीर्तन तो भाव सतगुरु ने कहा कीर्तन करना भी आना चाहिए। प्यार वालियो सतगुरु गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह ने संगतां नूं कीर्तन की दात बख्शी। गुरु घर की मर्यादा है, रागी सिंह नेम अनुसार कीर्तन करते ने साजां दे नाल, पर गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह ने जदों संगतां नूं कहा संगत जी कीर्तन करो, संगत ने कहा पातशाह साज दा ज्ञान नहीं। सतगुरु नूं कहण लगे पातशाह साडे कोल साज नहीं। गुरु साहब कहण लगे की हो गया जे साज नहीं, तुहाडे कोल गुरु नानक दे घर दी आवाज़ है। आवाज़ तो भाव रोजाना भावना बना के जपजी साहब दा पाठ इस तरह गा के करना जिवें कीर्तन कर रहे हुंदे आ, जाप साहब दा पाठ इस तरह करना जिवें कीर्तन कर रहे हुंदे आ। प्यार वालियो जपजी साहब विच महाराज ने इहो बचन किते, गाविए सुनिए मन रखिए पाओ, अमृत वेले उठ के बाणी गाया कर। जेड़े प्यारे दसवें पातशाह सच्चे पातशाह नूं समर्पित ने, जेड़े बाणी नूं चा दे नाल पढ़दे ने ना, कदे उहनां नूं नितनेम करदे नूं जे तकीए ते उह जाप साहिब जदों करदे ने ते रोम रोम खड़ा हो जांदा। जदों उह अकाल उस्तत दा पाठ करदे रोम रोम खड़ा हो जांदा, क्योंकि उह बाणी नूं प्रेम दे नाल गा के पढ़दे ने। एक ते सीधा पढ़ देना जपजी साहब नू, जाप साहब नू के नमस्तंग अकाले, नमस्तंग कृपाले, नमस्तंग अरूपे, नमस्तंग अनूपे। एक धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज नू हाजर नाजर जान के कलगी तार पातशाह नू आत्म समर्पण हो करके पढ़ना के नमस्तंग अकाले, नमस्तंग कृपाले, नमस्तंग अरूपे, नमस्तंग अनूपे, नमस्तंग अपेखे, नमस्त अलेखे। जदों इस तरह बाणी नूं गा के पढ़ांगे ते सच जाणियो जिहदा नितनेम करन नूं मन नहीं करदा उहदा मन भी नितनेम करन लई तैयार हो जाएगा, क्योंकि फिर मन दा रुचि बन जाएगी मन की बाणी पढ़न दे विच। सो सतगुरु ने गुरु अंगद साहिब महाराज ने कहा दूसरा कीर्तन भाव बाणी नूं गा गा के पढ़ना, तीसरा सिमरन, सिमरन दा पल्ला कदे नहीं छड़ना, भाव उस परमात्मा नूं कदे भी अपने हिरदे दे विच्चों वसाउणा विसारना नहीं, उहदे नाम नूं हिरदे विच वसा के रखना। चौथा सतगुरु गुरु अंगद साहिब महाराज ने कहा कि उस अकाल पुरख वाहेगुरु परमात्मा दे दर दी सेवा करनी, उस अकाल पुरख वाहेगुरु परमात्मा दे दर दे उत्ते आ करके नित सेवा करनी, तां सिमरन दा दात हिरदे दे विच वस जाएगी। पंजवां उस अकाल पुरख वाहेगुरु परमात्मा अगे अपना आप नहीं जताउणा, हंकार नहीं करना, होमे नहीं करनी। छेवां नित उस अकाल पुरख वाहेगुरु दे चरणा दे विच अरदास करदे रहना के कृपा जल देह नानक सा रंग कहो होए जाते तेरा नाए वासा। प्यार वालियो जिहड़ा जग्यासु हुंदा ना, जिहड़े संत हुंदे महापुरख हुंदे ने, वह अरदास दा पल्ला कदे नहीं छड्दे। आपे जाने करे आप, आपे आने रास, तिसे अगे नानका खले कीचे अरदास। इतिहास दे बोल ने कि जदों धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज कलगी धर पातशाह घोड़े ते भी सवार हुंदे सन, सतगुरु घोड़े ते भी सवार होण तो पहला छोटा अरदासा सोध दिया करदे सन। भाव सतगुरु ने कहा अपने जीवन दे विच कदे भी अरदास दा पल्ला नहीं छड़ना, उस परमात्मा दे चरणा विच नित अरदास करदे रहना। किसे भी काम दी शुरुआत करनी तां अरदास करके हर एक काम दी शुरुआत करनी। अरदास शब्द दा भाव ही इह है खालसा जी। फारसी दे शब्द ने दो, अर्ज ते दास्त। अर्ज दा भाव हुंदा बेनती, दास्त दा भाव हुंदा अपनी बेनती नूं रखना। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने कृपा कीती, सतगुरु कहिंदे खालसा जी तुसां ने नित अपनी बेनती परमात्मा दे चरणा विच रखनी। इस करके महाराज ने
कब्यो बाच बेनती चौपाई साहब की दात दिती के इस बेनती चौपाई साहब के जरिए बाणी के माध्यम राही ए नित परमात्मा के चरणा विच अरदास करे के हमरी करो हाथ दा रक्षा पूरन होए चेत की इच्छा तब चरणन मन रह हमारा अपना जान करो प्रतपारा। प्यार वालियो पंजा बाणियां दा नितनेम गुरु के सिख लई अत लाजमी है पर पंजा बाणियां दा नितनेम सानू सिखिया भी बहुत वड्डी देंदा। जपजी साहिब जाप साहिब तव प्रसाद सवैये कब्यो बाच बेनती चौपाई ते आनंद साहिब दे नाम ही बहुत वड्डी सिखिया दे जांदा। सतगुरु ने सब तो पहला जपजी साहिब दा पाठ चुनिया कि तू उस परमात्मा दे नाम दा जपन कर, उस परमात्मा दे नाम नू जपिया कर, उस एक ओंकार नू अकाल मूरत नू निरभउ निरवैर नू जपिया कर। सतगुरु नू क्या पातशाह कदों तक जपिया करां, सतगुरु कहंदे उदों तक जपी जा जदों तक तेरा किता होया जप रोम रोम दा जाप ना बन जावे। सतगुरु ने दूसरा जाप साहब दी दात दित्ती, पहला उसनू जप इन्ना के जप के तेरे रोम रोम दा जाप बन जावे, ते जे तू चाहुंदा के रोम रोम दा जाप बन जावे तेरा जपिया सफल हो जावे फिर एक भावना रखी तव प्रसाद दी, तव प्रसाद तो भाव के जे मैं जप रहा ए तेरी कृपा सदका जप रहा मेरे विच इतनी ताकत नहीं कि मैं तेनू जप सकां, कहां लगा एहो कीट बखाना महिमा तोर तू ही प्रभ जाना। सतगुरु सच्चे पातशाह जे मैं जप रहा सेवा कर रहा तुहाडी कृपा सदका कर रहा, मेरा मुझ में किछ नहीं जो किछ है सो तेरा। सतगुरु ने कहा निम्रता विच रह के जप, ते निम्रता कद आऊगी। सतगुरु ने कहा अरदास करिया कर बेनती करिया कर, भाव चौपाई साहब दी बाणी दित्ती बेनतियां करन वास्ते, ते जे प्यारियो ये चार भाव रखे जपे उदों तक जपे जदों तक जाप ना बन जावे, निम्रता दी तव प्रसाद दी भावना रखे ते रोजाना परमात्मा दे चरणा विच बेनतियां करे, सतगुरु कहंदे फिर पंजवीं अवस्था मिल जाएगी आनंद मिल जाएगा, ते तेरी अंतर आत्मा ये कबूलेगी कि आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया सहज सेती मन वजियां वधाइयां। पर इस तरह नाम दा रंग चढ़ेगा। सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज ने भी कृपा की भाई अपने नाम नू हरी दा रंग चाड़, अपने मन नू हरी दे नाम दा रंग चाड़, क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने अपनी पावन पवित्र श्री सरबलो ग्रंथ साहब जी की बाणी दे विच अपने सिख नू झिड़क भी पाई, जिहड़े नाम नहीं जपदे बंदगी नहीं करदे महाराज ने उन्हां नू झिड़किया भी। सतगुरु कहंदे कि तू अपने मन नू हरी दे नाम दा रंग नहीं चाड़िया, रंग्यो नाहे मन आपन को कोर कठोर कलंक लगायो, साध को संग नह मूड़ कियो नह कोर मनुआ को रंग चढ़ायो। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहंदे ओ गुरु क्या सिखा ना तू अपने मन नू हरी दे नाम दा रंग चाड़िया बल्कि तू अपने मन नू कलंकत कर लिया, काम क्रोध लोभ मोहंकार दा कलंक ला लिया, ते कहंदे ना ही तू किसे संत दी किसे साध दी संगत कीती किसे गुरमुख दी संगत कीती, साध को संग नह मूड़ कियो। प्यारियो महाराज ने कितनी झिड़क पाई, किसे गुरसिख दी संगत ना करन वाले नू मूरख किया कि तू किसे संत महात्मा दी संगत नहीं कीती। सतगुरु कहंदे इस करके हुण भी वेला है चेत रे चेत अचेत महापस हो हे सुचेत भजो अविनाशी। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहंदे गुरु क्या सिखा हुण भी सुचेत हो करके नाम नू जपना शुरू कर दे, धाम के काम कहां उरजियो किथे तू अपने घरां दे कम्मां विच उलझिया पिया, राम जपो काटी जम फासी। जे तू नाम नू जपन लग पवे तेरे जीवन दियां सारी परेशानियां दी फाही कट्टी जावेगी।
प्यार वालियो वेखो कितने दयालु कृपालू सतगुरु, असी नेत्र दासां करदे सुखां दी, नेत्र दासां करदे परेशानियां दूर हो जाण। कलगीधर पातशाह कहिंदे तूं इक काम कर, नाम नूं अपनी रसना ते टका। चेत रे चेत अचेत महापस, हो हे सुचेत भजो अविनाशी। धाम के काम कहां उरज्यो, राम भजो काटी जमफासी। क्यों अपने धाम तो भाव घर दे कम्मां कारां विच उलझ के, तू नितनेम दा पल्ला छड़ के बह गयो। वाहेगुरु गुरमंत्र दा पल्ला छड़ के बह गयो। प्यार वालियो वाहेगुरु गुरमंत्र नूं रसना ते टका के जे वेखांगे ते सच है धन गुरु कलगीधर पातशाह दे दर घर दी कला जरूर वरतेगी। भावें हले केस नहीं रखे, भावें हले शुरुआत नहीं कीती सिखी दे राह ते तुरन दी, पर वाहेगुरु गुरमंत्र दा पल्ला पकड़ लो। जिहड़ा वाहेगुरु गुरमंत्र दा पल्ला पकड़ लवेगा, धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज उस सिख दी बाँह पकड़ लैणगे। प्यारिओ धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं भाई दया सिंह जी ने पुछिया, पातशाह ये वाहेगुरु गुरमंत्र दे विच कितनी के ताकत है? धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज अपनी बाणी राही उपदेश करदे, दया सिंह जी इस वाहेगुरु गुरमंत्र नूं केवल चार अखरां दा जोड़ ना समझना, क्योंकि कलप कलप प्रत अक्षर कही, श्री गुरु नानक जपियो सही, सा मंत्र प्रभ खालसे दीना, वाहेगुरु पद पावन कीना। दया सिंगा ए ओ वाहेगुरु गुरमंत्र है जिस गुरमंत्र नूं सतगुरु गुरु नानक साहब ने रसना ते टकाया। धन गुरु नानक साहब ने रावी दरिया के किनारे ते बैठ के भारी करी तपस्या, वड्डे भाग हर स्यों बने आई। गुरु नानक साहब ने तप किया, तपस्या की, इस वाहेगुरु गुरमंत्र नूं रसना ते टका करके असी भी उही वाहेगुरु गुरमंत्र गुरु खालसे दी झोली विच पा चले हैं। सा मंत्र प्रभ खालसे दीना, वाहेगुरु पद पावन कीना। ते जेड़ा भी वाहेगुरु गुरमंत्र नूं रसना ते टकावेगा, जिवें प्यारिओ प्रशादे दी बुरकी तोड़ के रसना ते टका के चबा करके अंदर लंघाउने आ, प्रशादे दी बुरकी ओ खून दे विच तब्दील हो करके साडियां रगां विच दौड़दी है। जे बस नित प्रति नेम अनुसार वाहेगुरु गुरमंत्र नूं रसना ते टका के कंठ विच वसावांगे, ये वाहेगुरु गुरमंत्र भी समा आउण ते रोम रोम दे विच दौड़न लग पवेगा। ते जो धन गुरु अर्जन देव महाराज बख्शिश करदे ने कि अपने मन नूं हरी दे नाम दा नारायण दे नाम दा रंग चाड़, फिर वो रंग चढ़ जाएगा। जप जेहवा हर एक दसवंद दया करो। वो सिख कहण लगा, महापुरशो रोजाना जेब दे विचों भेटा कढ़ के देने आ, सतगुरु सच्चे पातशाह दे प्रेम विच भिज के महापुरखा क्या जेब दी भेटा सारे देंदे ने, पर जेहबा दी भेटा कोई नहीं देंदा, रसना दी भेटा कोई नहीं देंदा, भाव नाम जपण दा उपाव नाम जपण दा उद्दम कोई भी नहीं करता। प्यार वालियो तखत सचखंड श्री हजूर साहब की धरती ते आ करके जे हजूर दे नाम नूं हिरदे विच वसावांगे ते सच है हिरदे विच भी हजूर दा प्रकाश होवेगा। धन गुरु अर्जन देव महाराज कहिंदे, भाई जिहवा द्वारा उस परमात्मा नूं जपना शुरू कर दे। रहाओ विश्राम देंदे होए अगे बख्शिश करदे हन, तज हौ मैं गुर ज्ञान भजो। धन गुरु अर्जन देव महाराज नूं पुछिया, पातशाह नाम किवें जपिए? सतगुरु ने कहा, तज हौ मैं गुर ज्ञान भजो, अपने अंदरों हौमै नूं दूर कर दे, हंकार नूं दूर कर दे, तू भुल जा के तेरी कोई हस्ती है, क्योंकि जा रहना नाहीं ऐत जग तां कायत गारब हंडी है। जदों इस संसार दे तख्ते ते सदा लई रहना ही नहीं, फिर तू किस गल दा हंकार चुकी फिरदा। खालसा जी धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने भी बचन किते ने कि तां ते तुमहू हे गुरसिखो मन तन गर्भ ना मूल लाए। सतगुरु अपनी बाणी विच कहिंदे, ऐ गुरसिखो जे इस दरबार विच नमस्कार करन आयो, एक बचन नूं पल्ले बन लो कि इस पावन पवित्र पातशाही अस्थान ते गुरु नानक दे दरबार विच आ करके कदे भी अपने अंदर हंकार ना लियायो, हौमै ना लियायो, क्योंकि प्यार वालियो धन गुरु नानक साहिब महाराज दा दरबार ऐसियां बख्शिशां दा मालक, जे कोई नमाणा होके
नीवा हो के गुरु नानक साहब नू अपने घर विच भी चेते करे। सतगुरु उसकी निम्रता नू वेख के खुद चल के ऐलनाबाद की धरती ते पहुँच के उहदे घर विच चरण पा के उहनू अमर कर देंदे ने, भाई लालो बना लैंदे ने। इतिहास दे बोल ने कि जदों सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज ऐलनाबाद की धरती ते गए, महाराज ने कहा लालो भाई लालो बूहा खोल। जदों भाई लालो आवाज़ कन्नां विच पई सोचण लगा मेरा कोई नाम सीधी तरह नहीं लैंदा, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਬੂਹਾ ਖੋਲਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਸਰਕਾਰੇ ਕੋਲ ਆਲਮ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਵਕੜੀ ਪਾ ਲਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਭਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਫਿਰ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ, ਉੱਚਾ ਚੱਕ ਦਿੰਦਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਗਏ ਜਿਹਨੇ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਚੇਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਬੂਹੇ ਤੱਕ ਲੈਣ ਆਇਆ ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ, ਤਜ ਹਉਮੈ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਭਜੋ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੰਕਾਰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਭਜਿਆ ਕਰ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਮਾਇਆ ਕਰ। ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਵਾਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਖੁਦ ਚੱਲ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮੁੜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਹਸਤੀ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੀਰ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਛੱਡਿਆ, ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ 14 ਮੀਲਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੀਰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੰਜੇ ਦੇ ਪਾਵੇ ਨੂੰ ਵੱਜਾ। ਜਦੋਂ ਅਚਾਨਕ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੰਜੇ ਦੇ ਪਾਵੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤੀਰ ਲੱਗਾ, ਤੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੋਨਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਤੀਰ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਲਗੀਧਰ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਲੇ ਸੋਚ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਤਨੇ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਤੀਰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ। ਉਸ ਤੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਠੀ ਸੀ, ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੈ। ਘੱਟ ਘੱਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਣਤ। ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਵੇਖੋ, ਮੀਲਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨਾ ਜਗਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਅਖੀਰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਹਾਥੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਸੀ ਨੀਵਾ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ, ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਥੀ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਹਾਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਹਾਥੀ ਦੀ ਤਾਕਤ 'ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਉਸ ਖੁਦਾ 'ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ 'ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦਾ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ 'ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਤੋਪਾਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਫਿਰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਸਿਆ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਹਾਥੀ ਤਿਆਰ ਕਰ, ਇੱਧਰੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹਾਥੀ ਤੇਰੇ ਹਾਥੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੂ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੇਰਾ ਹਾਥੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਥੀ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ
के कोले एक कट्टा घा चरदा सी। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहन लगे आ रहा गुरु घर का हाथी। कहन लगा जी ये कट्टा है। कहन लगे जिदे उत्ते गुरु नानक की मेहर हो जाए वह वड्डे तो वड्डे हाथियों नाल मुकाबला कर लेंदा। उही गल हुई खालसा जी। उधरों बहादुर शाह का हाथी वध्या, इधरों धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने उस कट्टे नूं थापड़ा दिता। जदों कट्टे नूं थापड़ा दिता उहदे विच गुरु की कला वरत गई। उन्हें जाके बहादुर शाह के हाथी नूं टक्कर मारी। बहादुर शाह का हाथी चंगाड़ा मारदा पिछां नूं भज गया। भाव यह गुरु दे विच कला है। चीटी ते कुंचर अस्थूला, सापर कृपा दृष्ट कर फूला। जे प्यार वालिओ गुरु गोबिंद सिंह महाराज चाहुण ते ए निक्की जिही कीड़ी नूं भी हाथी बना सकदे ने, ते वड्डे तों वड्डे हाथी नूं भी कख बना सकदे ने। ये कलगीधर पातशाह जी की कृपा। इस करके सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज कहिंदे भाई तज होमै गुर ज्ञान भजो, हंकार छड के गुरु दे नाम नूं जपना कर, गुरु की सिख्या नूं मन दे विच वसाउणा शुरू कर दे। मिल संगत तुर कर्म लिखियो, क्योंकि जदों संगत की प्राप्ति हो जाए ना फिर हंकार नहीं करना चाहिदा, क्योंकि संगत बड़े वड्डे भागां दे नाल नसीब हुंदी है। पिछले कर्म धुरों दरगाहों लिखे होण तां जाके संगत दीआं घड़ियां नसीब हुंदियां। खालसा जी, हजूर साहब की धरती ते जिहड़े सिख संगतां रोजाना गुरु के दरबार विच संगत करदियां, ये ना समझो कि तुसीं अपनी मर्जी दे नाल घरां तों चल के आ गए। इस धरती दे विच आ करके संगत उही कर सकदा जिन्हों खुद कलगीधर पातशाह अपने घरों सद्दा पत्र भेज दे। गुरु नानक साहब के घर विच आके संगत उही कर सकदा जिन्हों सतगुरु खुद रहमत करके बख्शिश करके सद्दा भेज दे के भाई सिखा आ हजे भी वेला, ते आ करके बाणी नूं पढ़ना शुरू कर दे। आवो सिख सतगुर के प्यारे हो, गावो सच्ची बाणी, सच्ची बाणी नूं गाउणा शुरू कर दे। संगत विच आ करके इहो अरदास करिया करिए कि पातशाह हरजू राख लिहो पत मेरी, जमको त्रास भयो उर अंतर, शरण गही किरपान ने तेरी, के कैसे मेरे भाग जिस उत्ते आप जी ने तरस किया ते आप जी ने अपने प्यारियां दी संगत बख्श दित्ती। सतगुरु कहिंदे ये संगत दीआं घड़ियां धुरों दरगाहों लिखे कर्मा अनुसार प्राप्त हुंदियां हन। जो दीसै सो संग ना गयो, क्योंकि सतगुरु गुरु अर्जन दे महाराज कहिंदे हंकार छड के जदों संगत करांगे एक सोझी होवेगी कि जो संसार विच नज़र आ रहा दिस रहा इसने नाल नहीं जाना, अपने नाल नहीं जाना इसने, क्योंकि ये सुपने की तरह है। जग रचना सब झूठ है, जान लिहो रे मीत, ये सारी जगत की रचना खालसा जी झूठ है। सतगुरु गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह जी ने ते इथों तई भी कृपा की कि जाग लिहो रे मना जाग लिहो, कहां गाफल सोया, जो तन उपजया संग ही सो भी संग ना होया। तू संसार दे पदार्थ वेख के कहना, संसार दे रिश्ते वेख के कहना मेरे नाल खड़ जाणगे। सतगुरु कहिंदे जेड़ा शरीर जन्म तो ही तेरे नाल है अंत समय ते इसने भी तेरे नाल नहीं खड़ना। इस करके जिस ठाकुर स्यों नाही चारा, ताको की जय सद नमस्कारा, उस परमात्मा दे दर ते आके परमात्मा नू नमस्कारा करके हिरदे दे विच वाहिगुरु गुरमंत्र नू वसाउणा कर। साकत मूड लगे पच मोयो, सतगुरु कहिंदे क्योंकि जे जीवन दे विच के साकत दी संगत मिल जावे ना खालसा जी ते जिंदगी तबाह हो जाती है। जे किसी निंदक दा संग हो जावे जिंदगी तबाह हो जाती है। इस करके भगत कबीर जी ने कहा कि जे पता लगे ना कि वह सामने जिहड़ा सज्जन खड़ा वह साकत है, वह गुरु तो तोड़दा है, तो उहदी संगत करनी तो दूर की गल, उसनू वेख के ही दूरों भर भज जायो। साकत संग ना कीजे दूरे जाइए भाग, कहिंदे इक साकत नू वेख के दूरों ही भजना शुरू कर दिओ, क्योंकि जे साकत दा संग हो जावे निंदक दा संग हो जावे ते प्यार वालिओ निंदक दी संगत इस तरह जिवें ये साडी अख दूर आकाश तक वेखदी है पर अख दे विच निक्का जिहा कख पै जावे आकाश दिसना बंद हो जाता। इस तरह जे एक साकत दा निंदक दा संग कर लिया
जेडे साडे नेत्र रोजाना भावना दे नाल शरदा दे नाल गुरु घर आके नमस्कारा करदे गुरु दे दर्शन करदे जे साकत दा संग हो गया ते गुरु दी कृपा ना होई ते प्यार वालियो फिर ये भावना खत्म हो जाती। पर एक गल भी है कि जेडे गुरमुख ने जेडे गुरु नू अपना आप समर्पित कर देंदे ने रब दे प्यारे हो जाते ने। रब दे प्यारियां विच ये ताकत जरूर है कि वह साकत नू मनमुख नू भी गुरमुख बना देंदे ने। पर वह रब दे प्यारियां दी कमाई हुंदी है, रब दे प्यारियां दी बंदगी हुंदी है, इबादत हुंदी है। बंदगी दा सदका ही किसी का जीवन बदलिया जा सकता, बिना बंदगी तो किसी का जीवन नहीं बदलिया जा सकता। मोहन नाम सदा रव रहो, क्योंकि सतगुरु सच्चे पातशाह बचन करते ने मोहन लाल, वो अकाल पुरख वाहेगुरु परमात्मा का नाम सदा ही संसार के तख्ते ते रमिया। जे आप रुखा की छावें बवांगे नेत्र बंद करके अंतरमुख ध्यान हो करके परमात्मा की कुदरत नू तकांगे ते प्यार वालियो जड़े पत्ते हिलदे ने ना ते पत्ते जदों हिलदे इन्हां विच्चों आवाज़ आउंदी। जे आपां गुरु नू समर्पित होके नेत्र बंद करके किसे रुख की छावें बवांगे ना ते गुरु अगे अरदास करांगे कि तेरा नाम सुनाई दवे ते सच है पत्तियां दे हिलण की आवाज़ विच्चों भी नाम सुनाई देवेगा। दरियावां दे वग रहे पाणी दे विच्चों भी नाम सुनाई देवेगा। जिथे भी गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने अस्थान उजागर किए उत्थे दरिया जरूर सन। तो एक बहुत वड्डी बात है कि जिथे कलगीधर पातशाह ने बाणी का उचारण किया उत्थे आ करके दरियावां ने भी खामोशी कर ली। क्यों? क्योंकि उत्थे नाम चलता सी। पौंटा साहब की धरती ते अज भी जिथे गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने तू ही दा जाप किया उत्थे प्यार वालियो जमुना का दरिया भी तू ही करके जाता। उत्थे जमुना का दरिया भी वाहेगुरु करके जाता, धन गुरु गोबिंद सिंह धन गुरु गोबिंद सिंह करके जाता। पर यह अवस्था थां बनती है जे भावना कलगीधर पातशाह दे चरणा वास्ते पूरी होवे। भावना ऐसी होवे कि भावें कलगीधर दे बूहे दे विच्चों धक्के मिलन पर मैं फिर भी बूहा नहीं छड़ना। तो जे कलगीधर दे बूहे दे विच्चों माण मिले तां मैं हंकार नहीं करना। क्योंकि भाई नंद लाल जी दे बचन ने कि कलगीधर पातशाह दा दर छोटा दर नहीं, इस दर दी जे धूड़ दे किणके भी बनना पै जावे ते बहुत वड्डी बात है, बहुत वड्डे भाग हन। कोट मथे किने गुरमुख लहयो, धन गुरु अर्जन दे महाराज कहिंदे नाम दी दात गुरु नानक साहब दे घर दे विच नित वरसदी है, पर कोट मधे करोड़ां दे विच्चों कोई विरला गुरमुख आ करके नाम दी दात नू प्राप्त करदा। जिहड़ा धन गुरु नानक साहब महाराज सच्चे पातशाह जी अगे आके अरदास करदा, नाम नू मंगदा, नीवा हो के सेवा करदा, गुरु नानक साहब दे घरों उस नू नाम दी दात मिल जांदी। प्यार वालियो सतगुरु गुरु नानक साहब दे घर दे विच नित अमृत चौंदा नाम दा, पर मिलदा उन्हां नू है जिहड़े गुरु वल मुख करके गुरु दे बचन नू अपने जीवन विच कमाउंदे हन। हर संतन कर नमो नमो, सतगुरु गुरु अर्जन दे महाराज कहंदे भाई जे तू चाहुंदा कि तेनू भी नाम दी दात मिल जावे हर संतन कर नमो नमो। हरी दे संतां नू रब दे प्यारियां नू नमस्कारा करिया कर, उन्हां दा सत्कार करिया कर, उन्हां दी सेवा करिया कर। क्योंकि रब दे प्यारियां दी संगत सदका, रब दे प्यारियां दी सेवा सदका प्यार वालियो रब दा नाम मिल जांदा। जिमें मैं पहला भी बेनती की सी कि भाई नंद लाल जी कहिंदे ने जिहड़े रब दे प्यारे ने ओ रब दी मंजिल तक पहुँचाउण दी ताकत रखदे ने। मंजिल उबर जुबान औलिया सत, रूजो शब का नदर दिल शियाद खुदा सत। रब दे प्यारे रब दी दरगाह तक पहुँचण दी ताकत रखदे। खालसा जी, मैं कई बार वचन करदा कि मेरे वर्गे करोड़ां ही कथाकार आ जाण, पर सच है एक संत बारे दस सकते ने, गुरमुख बारे दस सकते ने, गुरसिख बारे बोल के दस सकते ने, पर किसी नू संत गुरमुख गुरसिख बना नहीं सकते। पर जिहड़े रब दे प्यारे ने, जिहड़े हरी दे संत ने ना, हरी दे संतां दे विच ताकत हुंदी है, रब दे प्यारियां विच ताकत हुंदी है कि रब दे प्यारे किसी नू निगाह भर के भी वेख लैण
वह जिन्ना मर्जी वड्डा पापी होवे रब दे प्यारे उन्नू भी गुरमुख बना देंदे ने, रब दे प्यारे उन्नू भी संत बना देंदे ने, क्योंकि रब दे प्यारियां ने अपने नेत्रां दे नाल रब नू तकिया हुंदा ते जिन्ना नेत्रां दे विच रब वस जावे उन्ना नेत्रां विच अमृत वरसन लग पैंदा। सो सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज कहिंदे भाई रब दे प्यारियां नू रब दे संतां नू नमस्कार करिया कर। नौ निध पावह अतुल सुख, क्योंकि रब दे प्यारियां दी संगत सदका नव निधियां दे खजाने मिल जांदे, नव निधियां दे खजाने इस तरह मिल जांदे कि रब दे प्यारे सानू नाम जपण दी जुगती दस देंदे। जिहड़ा प्यारे उह रब दा प्यारा हुंदा उहदी निशानी हुंदी है, उह जिस गुरमुख नू वी मिलूगा नू कहूगा भाई बंदगी करिया कर, भाई नितनेम करिया कर, भाई सिमरन करिया कर, सेवा सिमरन दा होका देंदे ते सेवा सिमरन दे विच्चों नव निधियां दे खजाने मिल जांदे। प्रभ का सिमरन रिद्ध सिद्ध नव निध, इतिहास दे विच्चों महापुरखां दे जीवनां दे विच्चों एक बचन ने कि बाबा खड़क सिंह जी कार सेवा वाले लाहौर दी धरती ते गए, किसे सज्जन ने आके अरदास कीती कि महापुरशो घर दे विच माया दी तोट बहुत है, घर दे विच माया दी कमी बहुत है, कोई जुगती दसो। महापुरख कहण लगे प्रभ कै सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निध, इसे पंक्ति दा जाप करी चल गुरु नानक साहब कृपा करनगे। प्यार वाले उह सज्जन चला गया, वह प्रभ कै सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निध इसे पंक्ति नू बार बार जपी जाया करे। काफ़ी समा बतीत हो गया महापुरखां नाल मिलाप ना होया, कुछ समय बाद महापुरखां नाल मिलाप होया ते उहदे कोल काफ़ी माया सी, काफ़ी दौलत सी, वह बहुत बेशुमार कीमती भेटावां महापुरखां वास्ते लिया। आके कहण लगा सतपुरशो माया ते बहुत आ गई है, हुण मन की बेचैनी किवें दूर होवेगी, मन दे विच नाम किवें वसेगा, हिरदे विच गुरु नानक साहब किवें वसणगे। महापुरखां क्या हुण इत्थों अगली पंक्ति पढ़नी शुरू कर दे, प्रभु का सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध। सतपुरश कहण लगे गुरु नानक दे घर दे विच नानक कै घर केवल नाम, इत्थे केवल ते केवल नाम ही ऐसी बख्शिश है, ऐसी दात है कि नाम नू जपिया जो भी मंगो उही मिल जांदा। जे वस्त मंगिए साई पाईए, जे नाम चित लाईए, सतगुरु कहिंदे संतां नू नमस्कार कर तां कि तैनू नव निधियां दे खजाने मिल जान। नैन अलोवो साध जनो, सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज कहिंदे नैन अलोवो साध जनो, अपने नेत्रां दे नाल सतपुरशां दे रब दे प्यारियां दे दर्शन करिया कर। तिन जन देखा नैणी, जिन्हां ने रब नू तकिया तू उन्हां रब दे प्यारियां नू तकिया कर, सतपुरशां दे महापुरखां दे दर्शन करिया कर। हिरदय गावहु नाम निधो, और हिरदे दे विच उस अकाल पुरख वाहिगुरु परमात्मा दे नाम नू गौणा कर। काम क्रोध लोभ मोह तजो, और हिरदे दे विचों काम क्रोध लोभ मोह हंकार दा कंडा पुट दे, इन्हां वकारां नू पुट के, इन्हां वकारां दी दलदल तों बच के, इन्हां वकारां दी फाही तों बच के गुरु शब्द दा पल्ला पकड़, गुरु शब्द दा अभ्यास कर। गुरु शब्द दा अभ्यास सदका ही तेरा जीवन इस दा पार उतारा होवेगा, तू संसार रूपी भवसागर तो पार हो सकेगा। जन्म मरण दोहते रहे हो, और जो जन्म मरण दा गेड़ तेरी अंतर आत्मा नू पै चुकिया, इस जन्म मरण दे गेड़ तो तू बच जावेगा। प्यारे आपां भी कई बार ना सुभावक ही सोचण लग पैंदे कि जिहड़े नाम जपदे जमदे तां उह वी ने, पर प्यार वाले ओ संसार दा बंदा जन्म जरूर लैंदा संसार ते, पर हर एक सुवास दे नाल नित मरदा, कदे चिंता नाल मरदा, कदे विशे वकारा नाल मरदा, कदे परेशानियां नाल तकलीफां नाल कलेशां नाल मरदा, पर रब दे प्यारे ओह आउंदे भी रब दे हुकम दे विच, जांदे भी रब दे हुकम दे विच, ते हर एक सुवास दे नाल उन्हां दा जीवन चढ़दी कला दे नाल बतीत हुंदा, ते जिहड़े रब दे प्यारियां दी संगत कर लैण उन्हां नू नाम दी दात मिल जावे, उन्हां दा जीवन भी सोहना बन जांदा। आपां अक्सर वेखदे हां जिहड़े संत महापुरख सेवा सिमरन दा होका देंदे उन्हां दा जीवन किन्ना सोहना लगदा, क्योंकि प्यार वालिओ उन्हां ने रसना दे उत्ते नाम नू टकाया। जिस तरह भाई वीर सिंह जी ने
शब्द वरते सन कि नाम सज्जन दा जीव जा चढ़िया जा सज्जन उठ तुरिया मल ले दो नैन ध्यान ने सबक रजा दा फुरिया बिरहों दे हथ सौंप असानू जे सज्जन तू राजी याद तुसां दी छुटे न साथू प्यार रहेलू पड़िया। भाई साहब कहिंदे जिन्हां सच संतां महापुरखां दे जीव दे उत्ते रसना दे उत्ते नाम चढ़ जावे सज्जन दा नेत्रां दे विच परमात्मा दा कलगी धर पातशाह दे चरणा दा ध्यान टिक जावे उन्हां दे हिरदे दे विच सदा बिरहो उपज जांदी ओह वैराग दे विच रहिंदे उदासी दे विच रहिंदे कलगी धर पातशाह दे प्रेम दे विच भिज करके चढ़दी कला नाल अपना जीवन बतीत करदे। सुरहो विचार सतगुरु कहिंदे नाम दी कला सदका नाम दी बरकत सदका जन्म मरण दे गेट तों तेरी अंतर आत्मा बच जावेगी। दुख अंधेरा घर ते मिट्यो और जेड़ा हिरदे रूपी घर दे विच ते बाहर मुखी घर दे विच दुख आउंदा दलिद्र आउंदा परेशानियां आउंदियां नाम दी कृपा सदका दुख दलिद्र दूर हो जांदे। रोजाना आपां चौपाई साहब च पढ़दे हां कि दुख दर्द भाव निकट ना तिन नर के रहै हो जो या कि एक बार चौपाई को कहे कि दुख दलिद्र नेड़े नहीं आउंदे जेडे गुरु की बाणी दा जाप करदे हन। गुर ज्ञान दृढ़ायु दीप बलियो सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज कहिंदे भाई गुरु दे ज्ञान सदका गुरु दी सिख्या सदका गुरु दे बचना सदका हिरदे दे विच नाम दा दीवा प्रकाशमान हो जांदा। प्यार वालियो बाहर मुखी दीवे जदों प्रकाश करदे आ चानण हुंदा सतगुरु कहिंदे जदों हिरदे दे विच नाम दा दीवा प्रकाशमान होवेगा ते हिरदे विच वी चानण होवेगा क्योंकि हले हिरदे दे विच काला घुप हनेरा छाया होया ते काला घुप हनेरा इस गल दी सोझी देंदा कि तेरी आत्मा दा परम आत्मा तो विछोड़ा पै चुकिया इस करके तू उद्यम कर उद्यम करो वड भागी हो सिमरो हर हर राय उद्यम करके उस अकाल पुरख वाहिगुरु परमात्मा दे नाम नू जपना शुरू कर। खालसा जी सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज सच्चे पातशाह जी तो लैके धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज कलगी धर पातशाह जी तक जितना भी इतिहास आप सब संगतां पढ़ोगे जां दर्शन करोगे जां गुरु की बाणी दे दर्शन करांगे तां सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे जीवन इतिहास विच्चों सतगुरु सच्चे पातशाह जी दी बाणी दे विच्चों इको सिखिया ही सानू जिहड़ा तत् मिलेगा कि कहो नानक इह तत् विचारा बिन हर भजन नहीं छुटकारा। सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे घर दा इह तत् है कि इस घर धर इस दर घर दे विच केवल ते केवल इहो सिखिया बार बार दित्ती जांदी है कि नाम जपो मेरे साजन सैना नाम बिना मैं अवर ना कोई वड्डे भाग गुरमुख हर लैना। सो सतगुरु कृपा करन कि असीं सतगुरु दे बचना नूं कमा सकीए। सतगुरु कहिंदे गुरु दे बचना नूं कमाउणा शुरू करांगे हिरदे विच नाम दा दीवा प्रकाशमान होवेगा। जिन सेविया सो पार परयो सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज बख्शिश करदे ने भाई गुरमुखो जिन्हां ने रब दे नाम नूं जप के गुरु घर विच आ के सेवा कीती ओह भवसागर तों पार हो गए क्योंकि सेवा करन वालियां नूं माण मिलदा जिन सेविया तिन पाया माण। जिहड़े सेवदे ने हरी नूं जिहड़े गुरु घर आ के सेवा करदे ने गुरु नानक साहब दा घर सेवा करन वालियां नूं उच्चा कर दिंदा। जिहड़ा गुरु नानक दे घर दे विच आ के सेवा करे मिट्टी दे टोकरे गारे दे टोकरे अपने सिर ते चके ते प्यार वाले ओह गुरु नानक साहब दा घर उहनां दे सीस ते छतर झुला दिंदा। जदों सोढ़ी सुल्तान गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी महाराज अपने सीस ते गारे दे टोकरे ढोंदे सन गुरु घर सेवा करदे सन तां उहनां दे रिश्तेदारां ने उहनां नूं ताना भी मारना कि तूं की अपना हाल बनाया तूं साडी बेइज्जती करा रहा तूं की हाल बनाया अपना गारे दे नाल लिबड़िया सिर ते गारे दे टोकरे चके। तां धन गुरु रामदास दे बचन सन कि तुहानूं शायद गारे दे टोकरे लगदे ने पर मेरे लिए तो इस तों वड्डा ते इस तों अनमोल छतर कोई नहीं। रब दे प्यारियां लई इहो छतर है जिहड़े गुरु घर आ के सेवा करदे ने नमाणे हो करके। सतगुरु गुरु नानक साहिब महाराज सच्चे पातशाह
ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਗਾਰੇ ਦੇ ਟੋਕਰੇ ਢਾਉਂਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਸ 'ਤੇ ਛਤਰ ਵੀ ਚਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਜੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰਾ ਬਣਾਇਆ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਗਤ ਤਰਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਭਵ ਸਾਗਰ ਉਹ ਤਰ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਮੁੱਖ ਕਰ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਮੁੱਖ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ, ਦੂਸਰਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਦੇਣਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ, ਬਾਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ, ਸਕੀ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਨਾਮ ਜਪੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਲੈਣ ਦਾ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਲਵੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ, ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਫੌਜਾਂ, ਹਜ਼ੂਰੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਇਹ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਣ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵਿਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਗਲਬੱਕੜੀ ਪਾ ਕੇ ਤਣ 'ਤੇ ਸਜਾਵਾਂਗੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਇਹ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਲੋਹੇ ਦਾ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ। ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾਂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਦੀਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੰਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਸਤਰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਨ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਦੀਦਾਰੇ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦਾ ਵਾਸ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਨੇ ਕਿ ਜਿਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਨਾਮੰਗ ਨਮਸਕਾਰ ਤਾਮੰਗ, ਜਿਤੇ ਅਸਤਰ ਭੇਅੰਗ ਨਮਸਕਾਰ ਤੇਅੰਗ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਾਇਆ। ਸੰਤ ਇਹ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰੇ, ਇਬਾਦਤ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਸਿਪਾਹੀ ਭਾਵ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਮੁੱਖ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੱਤ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੰਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਰੂਪੀ ਲੜੀ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ। ਆਓ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਖੇਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕ ਹੋਈਏ ਜੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸੀਸ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਵਾਉਣੀ। ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਖੇਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕ ਹੋਈਏ ਜੀ। ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਸੋ ਪਾਰ ਪਰਿਓ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਗਤ ਤਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।